हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कि जावा प्रोग्रामिंग के अंदर जो टर्नरी ऑपरेटर है उसे अपन कैसे यूज करते हैं, साथ ही अपन टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके कोई भी कंडीशन है उसे अपन कैसे चेक करेंगे, ये सभी चीज़ें अपन आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन जानें कि टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है। आपने कीबोर्ड में क्वेश्चन मार्क का सिंबल देखा होगा, या फिर अपन क्या है बुक्स में देखें कोई भी क्वेश्चन होता है उसके लास्ट में क्या होता है ये सिंबल लगा होता है, इसे अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज यहाँ पे क्या होता है कंडीशन को चेक करने के लिए, जैसे अपन यहाँ पे क्या करते हैं कोई भी कंडीशन होती है इफ का यूज करते हैं। इफ में अपन क्या करते हैं इफ अगर क्या है ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है तो अपन यहाँ पे प्रिंट क्या करवाते प्रिंट ए, या फिर ए इज ग्रेटर यहाँ पे अपन क्या कहते हैं प्रिंट ए इज ग्रेटर। अगर नहीं है तो फिर अपन यहाँ पे क्या प्रिंट करवाते हैं ए, प्रिंट में अपन लिखते हैं प्रिंट बी इज ग्रेटर। तो ये क्या है एक तरीका है आपको क्या है यहाँ पे किसी भी कंडीशन को चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे ये इफ या एल्स इफ का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बिना इफ एल्स का यूज किए, क्योंकि यहाँ पे क्या मल्टीपल लाइन में आपको यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो लिखना पड़ता है, तो विदाउट इफ एल्स का यूज किए अपन को कंडीशन चेक करना है वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है जो टर्नरी ऑपरेटर होता है इसका यूज किया जाता है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं आज ये टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके कंडीशन कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे अपन इसको प्रोग्राम राइट करते हैं। प्रोग्राम के लिए अपन यहाँ पे जैसे देख सकते हैं फंक्शन की जगह अपन यहाँ पे क्या करेंगे यूजिंग या फिर अपन लिखते हैं चेक कंडीशन। कंडीशन फॉर यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, ये हुआ। तो अपन को क्या कंडीशन चेक करना है टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके। तो अपन क्या करेंगे जैसे यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, अपन क्या करेंगे यहाँ पे एक फंक्शन राइट करेंगे। फंक्शन कैसे राइट करते हैं स्टैटिक वाइड। अब इसके बाद फंक्शन का नेम, तो फंक्शन का नेम अपन देते हैं टेस्ट या कंडीशन चेक कंडीशन चेक कंडीशन। अपन का जो प्रोग्राम है या प्रोग्राम से रिलेटेड जो नेम है वो अपन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, बस क्या जो प्री डिफाइंड क्लास है जावा की उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन, और कंडीशन में अपन को क्या करना है वैल्यू इनपुट करवानी है। जैसे यहाँ पे अपन चेक करते हैं ए और बी, यहाँ पे क्या है ए और बी अगर ग्रेटर हैं तो ए प्रिंट हो, अगर यहाँ पे क्या है ए ग्रेटर है तो ए प्रिंट हो, अगर बी ग्रेटर है तो बी प्रिंट हो। तो यहाँ पे पहले अपन इंट में वैल्यू इनपुट करवाएंगे ए कॉमा इन बी, दो वैल्यू हो गई। अब इसके बाद हमें यहाँ देखना है कैसे अपन कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। कंडीशन के लिए यहाँ पे क्या करते हैं अपन एक वेरिएबल लें पहले इंट, इसमें अपन रिजल्ट इंट रिजल्ट ये वेरिएबल हो गया इक्वल टू। अब कंडीशन क्या रखना है अपने को ए इज ग्रेटर बी, अगर क्या है ए बड़ा है बी से तो यहाँ पे क्या हो उसके लिए अपन यूज करेंगे टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ पे क्या करें टर्नरी ऑपरेटर, अब क्या होगा ए अगर बी से बड़ा है तो क्या प्रिंट हो ए, फिर अपन लगाएंगे कॉलन साइन। अगर बी बड़ा नहीं है तो एल्स कंडीशन क्या आएगी यहाँ पे एल्स कंडीशन आएगी बी प्रिंट कर दे, ठीक है। इसके बाद अपन लगाएंगे सेमी कॉलन। तो इस तरह से जो टर्नरी ऑपरेटर है उसमें कंडीशन चेक की जाती है। ए इज एक तो अपन वेरिएबल लेंगे जिसमें रिजल्ट देना है इक्वल टू, फिर अपन कंडीशन लगाएंगे ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है कोई भी कंडीशन है वो आप यूज कर सकते। फिर आपको यहाँ पर रिजल्ट प्रिंट करना है तो अपन क्या है टर्नरी ऑपरेटर,
फिर अगर ये ट्रू कंडीशन होगी, फर्स्ट कंडीशन क्या है, ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फर्स्ट, और अगर फॉल्स है तो यहाँ पे क्या आएगा, बी, या फिर यूँ कहें कि अपन यहाँ पे 0 1, जैसे अगर बात करें अगर ट्रू है तो क्या है 1, अगर फॉल्स है, यहाँ पे क्या है कंडीशन फॉल्स है तो क्या आ जाए 0, ऐसा आप कर सकते हैं। अब इसको आपको क्या है आउटपुट देना है, तो आउटपुट देने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं अपन, राइट करते हैं सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट, इसके बाद हमें आउटपुट क्या देना है, जो वैल्यू आएगी किसमें आएगी, रिजल्ट में, रिजल्ट। अब इसके बाद आता है अपन आते हैं मेन क्लास पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसमें हमें क्या करना है, फंक्शन को एक्सेस करना है, फंक्शन का नेम यहाँ पे चेक कंडीशन, यहाँ पे लिखते हैं चेक कंडीशन, ये फंक्शन का नेम हुआ, आपको मैच करके लिखना है जो फर्स्ट है ऊपर है, चेक कंडीशन सेम होना चाहिए, अगर मिस्टेक है तो वो फिर एक्सेस नहीं होगा। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू प्रोवाइड करना है, अपन क्या वैल्यू पहले यहाँ पे प्रोग्रामिंग में डिफाइन कर देते हैं, इंट में फर्स्ट वैल्यू क्या है ए, ए की वैल्यू अपन देते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो 25, फिर अपन कॉमा नेक्स्ट बी की वैल्यू अपन देते हैं यहाँ पे क्या मान लो 40, तो कंडीशन क्या है, जो ए की वैल्यू 25, ये क्या है लार्ज है किससे, बी 14 से, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए 1, इसे अपन कहते हैं यहाँ पे क्या सेव, फाइल में जाके सेव, प्रोग्रामिंग में आते हैं और इसमें लिखते हैं जावा सी स्पेस, क्लास का नेम क्या है मेन, मेन डॉट जावा, एंटर, तो यहाँ पे क्या है एरर आ रही है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, देख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है डायरेक्ट आउट लिखा हुआ है, ये अपन क्या है जो आउटपुट दे रहे हैं इसके लिए अपन डॉट का यूज करेंगे, फिर से अपन इसे सेव करते हैं, और क्या है जितना ही प्रोग्राम में एरर आती है उतना ही अपन को नॉलेज बढ़ता है कि किस कंडीशन में कैसी एरर आती है, कैसे उसे अपन सॉल्व करते हैं। तो ये प्रोग्राम क्या है यहाँ पे कंपाइल हो चुका है, इसे रन करवाना है तो अपन क्या करते हैं जावा स्पेस मेन, इसको अपन क्या है एंटर करते हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, आउटपुट 1 आ रहा है, 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है, ए की वैल्यू क्या है बी से बड़ी है, साथ ही क्या है यहाँ पे यदि अपन ए की वैल्यू यहाँ पे अगर ट्रू है तो ए की वैल्यू प्रिंट हो, अगर फॉल्स है तो यहाँ पे क्या है बी आए, ऐसा कर सकते हैं। अब इसको अपन करते हैं सेव, फाइल में जाके सेव, अब देखेंगे इसको रन करवा के अपन देखते हैं, पहले कंपाइल देन रन, तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आ रहा है 25, या फिर अपन यहाँ एक मैसेज देते हैं, रिजल्ट, और यहाँ पे प्लस साइन, कंट्रोल एस, वापस आएंगे अपन, इसको क्या है रिकम्पाइल देन एंटर, तो यहाँ पर रिजल्ट कितना आ रहा है 25, 25 क्यों आ रहा है, क्योंकि अपन ने कंडीशन दी है यदि ए इज ग्रेटर देन बी हो, ए बड़ा हो बी से, तो क्या है ए प्रिंट हो, अगर कंडीशन ट्रू होती है यहाँ पे अपन 104 कर देते हैं, अब क्या बी की वैल्यू बड़ी हो गई, अपन इसको वापस क्या कंट्रोल एस करते हैं, रिकम्पाइल यहाँ पे क्या रिकम्पाइल देन रन, ये क्या रिटर्न आ रहा है 104, क्योंकि इस बार क्या हुआ बी की वैल्यू बड़ी है, इसलिए क्या आ रहा है बी की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो इस तरह से क्या टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके कंडीशन चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या एक कंडीशन अपन और यूज करेंगे, कैसा, अगर क्या हो कि जो इंटीजर वैल्यू ए और बी इनपुट हो रहा है, अपन यहाँ पे क्या है इनपुट करवाने के लिए यूज करेंगे स्कैनर क्लास, यहाँ पे अपन क्या यूज करते हैं स्कैनर, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसमें अपन क्या करेंगे सिस्टम डॉट इन, ये हो गया वैल्यू इनपुट करवाना है अपने को, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले वैल्यू डिफाइन करेंगे इन एक्स नाम से डिफाइन करते हैं, एक्स इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी
इंटीजर वैल्यू है, ये वैल्यू एक स्टोर हुई। देन नेक्स्ट वैल्यू के लिए तो यहाँ पे लिखते हैं इन वाई इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, ये हुआ ये एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस बार वेरिएबल का नेम डिफाइन करेंगे एक्स कॉमा वाई। अब अपन क्या वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, अपन इसको फाइल से सेव करते हैं, इसको रन करवाएंगे कंपाइल देन रन। अब यहाँ पे वैल्यू देना है ए की वैल्यू पहले, तो अपन देते हैं जैसे 56 एंटर 45 है क्या, 50 ए की वैल्यू है वो बी से यहाँ पे बड़ी है, तो रिटर्न क्या आना चाहिए 56, रिजल्ट क्या आएगा 56। यहाँ पे अपन एक मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैसेज हमें क्या देना है इंसर्ट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, जिससे यूजर को समझ में आए कि अपन यहाँ पे क्या किसकी वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं, यहाँ पे किसकी वैल्यू अपने को प्रोग्राम में देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और इसमें क्या लिखेंगे अपन इंसर्ट वैल्यू ऑफ वाई। ये हुआ, इसको अपन कंट्रोल एस करते हैं और इसको अपन वापस रन करवाएंगे। आपके मैसेज क्या रहा है इंसर्ट वैल्यू ऑफ एक्स, इसको अपन देंगे यहाँ पे जैसे 63 एंटर 45, रिजल्ट अपने क्या आ रहा है 63, क्योंकि 63 क्या है एक्स की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर है और कंडीशन यहाँ पे क्या है ए इज ग्रेटर देन बी, फर्स्ट ए की वैल्यू है वो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रही है। अब हम चाहते क्या है कि अगर ए की वैल्यू बड़ी हो बी से तो यहाँ पे क्या हो ए माइनस बी, यहाँ पे क्या हो ए माइनस बी, ये हो। साथ ही क्या हो यदि बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है बी की वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पे होना चाहिए ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये अपन दो कंडीशन देते हैं। अगर क्या हो ए की वैल्यू बड़ी है बी से तो ए माइनस बी, अगर बी की वैल्यू बड़ी है ए से तो क्या होना चाहिए ए प्लस बी। इसको अपन क्या करते हैं सेव देन इसको कंपाइल रन, अपन देते हैं मान लो 500 नेक्स्ट अपन देते हैं 425। अब क्या हो रहा है यहाँ पे जो एक्स वाई की वैल्यू है वो एक्स से छोटी है तो यहाँ पे क्या माइनस वाली कंडीशन चलेगी, एंटर करते हैं रिजल्ट कितना है 75। लेकिन अपन अगर यहाँ पे फिर से रन करवाते हैं वैल्यू देते हैं अपन 25 और यहाँ पे 65, अब क्या हो रहा है जो प्लस वाली कंडीशन है यहाँ पे ए प्लस बी वो रन हो रहा है तो कितना रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे 25 प्लस 65 यानी 90, ये आपको आउटपुट मिल रहा है। तो इस तरह से क्या टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके जो कंडीशन है वो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपन क्या जो नेक्स्ट वीडियो उसमें अपन देखेंगे कि जो लूप्स होते हैं या कंडीशन इफ एल्स कंडीशन उसे अपन कैसे यूज करेंगे।